है, सुबह सुबह का टाइम है और ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा। अरे मैं लगूँ कुछ काम, देखो जी हवा चल रही है कति तेज और मैंने लगा दी हारे सुबह का। एक तो मैंने भुजी बनाऊंगी उसका और एक पर मैं पानी रखूंगी। अब मैंने भुजी कल मूली की भुजी बनाऊंगी मैं आज। मूली काट कर रख ली थी मैंने शाम में, ये देखो जी मैंने मूली काट कर धो कर अच्छी तरह रख ली थी शाम में ही, और सुबह मैंने इसको आरे पर रख दूंगी, ये उबल जाएगी फिर मैं इसकी भुजी बनाऊंगी। और भुजी मैं कैसे बनाती हूँ आप लोगों को भी दिखाऊंगी। भुजी मेरी उबल गई थी, ये मैंने अच्छी तरह नचोड़ ली। अरे मेरी माई इसने कुटन लग रही है, और फिर इसका मैं छोप लगाऊंगी क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी पानी अच्छी करड़ी नचोड़ी जा है, थोड़ा सा भी पानी रह जाए तो फिर इसका टेस्ट सा नहीं आता। तो ये इसने देखो मैं अच्छी तरह ये सारा पानी निकाल लिया है, और ये इसने अच्छी तरह कूट लेंगे, कूट कर फिर इसमें नून मिर्च गला रला दिया होगा ना, लहसुन और नून मिर्च इसमें गला साथ में कूट दिया था, और ये भी इसमें फिर इसको थोड़ा सा छोक लगा देंगे जीरे का टमाटर का। नू की नू भी खाना चाहो तो कोई नू की नू भी खा सकता है। तो ये आग उग भी सलगाऊंगी मैं, चूल्हे पे बबाली नहीं है, मैंने चून छान लिया है इतना, फिर छोक की तैयारी फिर बाद में करूंगी। मैंने चून छान लिया है, अरे मैं इतना रोटी बनाने की तैयारी कर दूँ। टमाटर बाहर ठर जाए है जो फ्रिज में धर दे तो इन टमाटर का कति पानी बन जाए। फिर भुजी छोड़ देंगे, मैं डालूंगी थोड़ी सी हल्दी और कोई मसाला इसमें ऐड नहीं करूंगी मैं, और कोई मसाले नहीं डालती, बस थोड़ा सा हल्दी डालूंगी और इसमें अच्छी तरह पका लूंगी। फिर मैं इसमें भुजी डालूंगी, पानी वगैरह इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना है, थोड़ा सा भी इस हल्दी ना पका लेते हैं हम इसमें, इसमें थोड़ी मंदी कर दूँ, फिर इसमें अच्छी तरह थोड़ी बार ढक दे सकता है, मंदा करके थोड़ी बार ढक दे। और ये मेरी कुटी हुई भुजी यहाँ पर रखी हुई है, इसे ना छोक पकने के बाद अच्छी तरह मिक्स करूंगी मैं, मंदी आंच पर नुक रहा है क्योंकि फिर ये छोक जल जाएगा ना, तो पानी को इसमें डले नहीं, ये मंदी मंदी का पक जाएगा। ये टमाटर अच्छी तरह और हल्दी थोड़ी बार रख दूँ, फिर देखते हैं इसमें रला कर। इतनी सर्दी में मैं पहली बार भुजी बना रही हूँ, ये खेत की मूली थी हम खेत में चले आए थे, तो परांठे का प्रोग्राम था, परांठे भी नहीं बने, फिर उनका भुजी बना दिया। अब इसमें ये भुजी कुटी हुई डाल दूंगी, सारी भुजी डाल कर ये है, ये भी अच्छी तरह मिक्स कर दिया है क्योंकि इसमें पानी तो डल है नहीं, इस तरह तो भुजी बना कर मैं रेट अच्छा है, ये भी इसमें अच्छी तरह मैं इसमें मिक्स कर दूंगी, और फिर थोड़ी सी आंच लगा दूंगी इसका। इस तरह मिल जाएगी अच्छी तरह, अच्छी तरह मिलानी पड़ेगी ना, तो कितने तो आइटम मतलब आ जाएंगे कितने नहीं। थोड़ी सी और पकानी पड़ेगी फिर ये चीज। अब इसमें मैं थोड़ी बार रख दूंगी धीमी आंच पर, थोड़ी सी बार इसमें गर्म भी हो जाएगी। इसमें कपड़े धो दिए हैं मैंने सारे, अरे तय मार दी है कुछ कपड़े इसमें कर दिए, देखो सारे बेड पे क्यूकर बिखरे नहीं पड़े, तय मार मूर का बैठी थी ना बेड पे मार का, तो सारे ने जता दिए थे, तो तय मार का सारे कपड़े वो कर दिए हैं मैंने।
ये भी ना रख दूंगी क्योंकि प्रेस जिनका प्रेस होनी है वो प्रेस हो जाएंगी और ना तो खंडे रहे हैं मुंडे लग गए हैं। मैं बाकी को तय मार कर रख दिया करूँ। इसके पापा का कुर्ता पजामा था, इन ना रख दूँ, इनका सामना प्रेस करने की सोचूँ हूँ टाइम लग गया तो, और इन नई अलमारी में रख दूंगी सारे कपड़े ने। ये कुछ सर्दी की शाल वेल है, ये सुनील का शाल था मेरा, ये उड़ने में कम आवा है, वो तो अच्छा शाल है पर ये थोड़ा सा थलस गया है। देखो इस तरह का शाल है, ये वो तो सॉफ्ट है पूरा पर ये उड़ने में थोड़ा ठंडा ही लागे, नहीं चाहिए था कपड़ा उधर ये कट कट लगे हुए हैं इसके। तो ये शाल आई साल काट ली हूँ फिर उड़ती नहीं हूँ, एक आध बार उड़ लूँ फिर उल्टा दर गई हूँ, पर किसी से देने भी जी नहीं करता क्योंकि मैंने अच्छा लगा इसका कलर भी, ये कई साल पहले लिया था मैंने ख्याल। और इवन सारे कपड़े अलमारी में धरते हैं, फिर शाम को देखो क्या करेंगे। कर लिया है देखो, और इनमें थोड़े सा क्यों आ पा ना, सर्दी में कभी रूखे रूखे हो गया, अब थोड़ा सा बोरो प्लस लगा लूँ मैं, ज़्यादा बोरो प्लस लगाऊंगी इसके लिए, बोरो प्लस का ऊपर पिचका ही मारे तो बेकार रोशन ठहरे हमारे, लेकिन कट्टी बैठाया नहीं है थोड़ी हल्की सी। वैसे तो सर्दी में मैंने सुबह शुरू कर दिया और आप अब मिल रही हूँ, तो ये शाम का टाइम है, मैं नहा धोली हूँ और देखो मैंने आज नया सूट पैर डाला है, देखो मेरा नया सूट कैसा है, ये मैंने सर्दी का सूट सिलवाया है, ज़्यादा सर्दी का तो नहीं है मतलब ये खादी से के कपड़े में है और प्लेन है इस तरह का सूट है, गले पे ये पट्टी बनी हुई है, मैंने दिखाया भी पहले, तो ये मेरा सूट है और अब मैं नहा धोली हूँ, धूप जा चुकी है और अब मैं शाम का काम स्टार्ट करूँगी, शाम में क्या सब्जी पानी बनाएंगे वो भी आप लोग का टाइम है। इसका पापा अंगार लिया है, ये अंगार मेरी माँ दर्द देंगे, ये मैंने जो ठंड ज़्यादा हो रही है इसने ही सारी में डाल कर और अंगारा ने रख देंगे, और मेरा सारा काम दाम हो लिया है और ये बस सीख लो आप लोगों ने भी सीखना होता है, गर्माश हो रही है ये सारी में घेर कर रख देगा और फिर गुदड़े में बड़ा है सब बड़ लो, ठंड है ठंड ज़्यादा हो रही है भी जनवरी में तो, और भी एक महीना तो ही बारह होगी ठंड, दिसंबर का लास्ट आन हो रहा है, तो भाई सारा काम दाम हो गया है और मैं अपना वीडियो कार्ड एंड करूँ, और वीडियो किसी लगी देख कर बताइयो और सब न श्याम की राम राम।